आज हम रावण के कुछ उन बातों के बारे में बात करेंगे जो पुराने हिंदू धर्मशास्त्रों में लिखा है। महाकाव्य रामायण महंत श्री वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जो हमें बुराई पर अच्छाई की कहानी बताती है। 10 सिर वाले असुर राजा पर भगवान राम की जीत। फिर भी हमें रावण के बारे में जितना दिखता है उससे कई गुना ज्यादा अधिक है। एक जटिल चरित्र जो एक धर्मपरायण राजा था, उसे एक खलनायक के रूप में भी जाना जाता है। कहीं कहीं तो रावण खलनायक की तरह कलंकित है, तो कहीं कहीं पूजा भी जाता है और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी कहलाता है। रावण वो है जिसने माता सीता का अपहरण किया और युद्ध शुरू किया। एक बुरा असुर और अहंकारी राजा जिसने अपने शास्त्र ज्ञान का बुरा उपयोग किया। कहानी कुछ ऐसे है कि रावण कैलाश पर्वत को लंका ले जाकर अपनी माँ को प्रभावित करना चाहता था। जैसे ही रावण कैलाश पर्वत के पास पहुंचा, उसने देखा कि भगवान शिव के वाहन नंदी वहीं खड़े हैं और नंदी ने रावण को देखकर उसे आघात किया। नंदी के बार बार मना करने पर भी रावण ने अंदर जाने का प्रयास किया और नंदी को बुरा भला भी कहा। यह सब सुनकर नंदी क्रोधित हो गए और रावण को श्राप दिया और कहा, तेरा नाश निश्चित है और तेरी लंका का विनाश एक वानर द्वारा किया जाएगा। यह सब सुनकर रावण ने शिवजी के प्रति नंदी को अपना प्रेम दिखाने के लिए कैलाश पर्वत को उठाना शुरू कर दिया। नंदी और रावण के बीच यह झड़प देखकर भगवान शिव जी क्रोधित उठे और पहाड़ वापस से नीचे धकेल दिया। चट्टान के नीचे दबे रहने के कारण रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी एक भुजा निकाली और अपनी नसों से एक मधुर संगीत बजाने लगा। रावण की भुजा से जो संगीत निकलकर बाहर आ रहा था, उससे भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उनको खुद ही नीचे आना पड़ा। रावण का इतना मधुर संगीत सुनकर भगवान शिव खुद नीचे आए और रावण को क्षमा कर दिया। इससे तो हमें पता चलता है कि रावण भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था। आइए बात करते हैं रावण के पूर्वजों के बारे में। रावण एक अच्छे भले परिवार से था। उनके दादा ऋषि पुलुत्सया ब्रह्मा के 10 दिमागी पुत्रों में से एक थे। रावण के पिता विश्रवा मुनि और उनकी माता कैकसी से उत्पन्न हुआ था। कैकसी जो कि एक दैत्य राजकुमारी थी, अपने पिता के कहने पर एक ऋषि की खोज करने चली और विश्वकर्मा मुनि को चुना। अब हम बात करते हैं रावण के भाइयों पर। रावण के 6 भाई थे। पहले का नाम था कुबेर, जो कि उत्तर दिशा के राजा थे, स्वर्गीय धन के रक्षक। दूसरे भाई थे विभीषण, जिसको आप हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। तीसरे पर आते हैं कुंभकर्ण, जो 6 माह सोते थे और 6 माह जागते थे। चौथे पर आते हैं खर, 5वें पर दुशाना और आखिर है अहिरावण। और रावण को कुंभिनी और शूर्पनखा 2 बहनें भी थीं। शूर्पनखा ही वह बहन थी जिसने अपने भाई रावण को युद्ध करने पर मजबूर किया। रावण इतना दुष्ट दुराचारी भाई था कि उसने अपने सौतेले भाई का राजपाट छीन लिया और खुद राजा बन गया और गुरु शुक्राचार्य से अपने शास्त्र के बारे में सीखा। रावण और कुंभकर्ण दोनों पिछले जन्म में विष्णु के घर के द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। इन दोनों ने छोटे रूप में प्रकट होने वाले संत ऋषियों को अंदर जाने से मना किया और विष्णु के घर में प्रवेश करने से रोके जाने पर उन संत ऋषियों ने जय और विजय यानी रावण और कुंभकर्ण को श्राप दिया। यह सब देखकर भगवान विष्णु बाहर आए और उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प तो था कि 7 बार सामान्य नश्वर भगवान विष्णु के भक्त के रूप में पैदा हो सकते थे और दूसरा था 3 बारी शक्तिशाली और मजबूत लोगों के रूप में पैदा हो सकते थे। और ये दोनों जल्दी से जल्दी भगवान विष्णु के करीब आना चाहते थे, तो उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना। लेकिन ये तीनों रूप भगवान विष्णु के दुश्मन के रूप में होंगे। पहले युग सतयुग में
वे हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशा के रूप में मारे जाते हैं। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में इन्होंने जन्म लिया और ऐसे ही द्वापर युग में दंतबकर और शिशुपाल के रूप में जन्म लिया और भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जाते हैं। ऐसे तो रावण बहुत ही बड़ा ज्ञानी और शिव का भक्त था। अपने पिता के सिखाए ज्ञान से वेदों, पुस्तकों और युद्ध की सारी तकनीकें सीख चुका था और सारी कलाएं भी जानता था, और तो और तपस्या में भी वह सबसे आगे था। रावण और उसके भाइयों ने 11,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। बदले में ब्रह्मा ने रावण को एक रथ और एक आकार बदलने की क्षमता दी और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने 10 सर लगातार काट दिए। रावण की अघोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से कभी न मरने का वरदान मांगा, लेकिन यह सब मना करते हुए भगवान शिव ने उसे एक अमृत दिया जो कि उसकी नाभि में था, और जब तक वह अमृत उसके नाभि में रहता कोई उससे पराजित नहीं कर सकता था, और अंत में उसके 10 के 10 सर वापस जोड़ दिए और वहीं से रावण को दशानन नाम मिला। रावण की 2 पत्नियां थीं, पहली का नाम मंदोदरी और दूसरी का नाम धन्यमालिनी था, और इन दोनों से रावण को 7 पुत्र थे। मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। लंका एक बहुत ही सुंदर शहर था जिसको ऋषि विश्वकर्मा ने बनवाया था, किंतु अपने सौतेले भाई कुबेर को धोखा देकर रावण ने वह हड़प लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। वैसे रावण एक बहुत अच्छा शासक भी था। रावण के शासक में लोगों का बहुत उद्धार हुआ और लंका का भी बहुत विकास हुआ। उस समय में पुष्पक विमान को उड़ाना रावण के शासन का सटीक उदाहरण है। रावण, जिसे एक चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है और कई किताबों में उसे बहुत ही विद्वान दर्शाया गया है, और जिसने आयुर्वेद पर 7 पुस्तकें भी लिखी हैं, इतना सारा ज्ञान होने के कारण और भगवान शिव के बड़े भक्त होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें एक तलवार भी भेंट में दी थी जिसका नाम चंद्रहास था। लेकिन इस तलवार को इस्तेमाल अन्याय रूप में किया जाने पर यह तलवार वापस शिवजी के पास चली जाएगी, यह भी एक उल्लेख दिया गया था। लेकिन एक विचारधारा भी है जो रावण को एक गलत मनुष्य के रूप में दर्शाती है। देवों के देव गुरु बृहस्पति के पुत्र ब्रह्म ऋषि की पुत्री वेदवती का उल्लेख है। वेदवती, जो कि तपस्या से उत्पन्न हुई थी और काफ़ी सुंदर थी, और जिन्होंने अपने पिता से कम उम्र में ही पवित्र वेदों और ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। वेदवती जंगल में जब तपस्या करने हेतु बैठी हुई थी तब वहां से रावण गुजरता है और वेदवती की सुंदरता देखकर वह मोहित हो जाता है और वेदवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। वेदवती के मना करने पर रावण अपने आप को निराश पाता है और वेदवती को जबरदस्ती घसीटकर ले जाने लगता है। वेदवती तुरंत अपने बाल काटते हुए वहीं पड़ी हुई आग में अपने आप का दहन करती है और रावण को श्राप देती है और कहती है कि तेरा विनाश का कारण फिर से मेरा जन्म होगा, और सीता के रूप में वह फिर से जन्म लेती है और रावण की मौत का कारण बनती है। यह भी कहा जाता है कि रावण अपने भाई कुबेर के पुत्र से जुड़ी अप्सरा रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश करता है। यह सब जानने के बाद कुबेर उसे श्राप देता है और कहता है अगर वह किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा तो उसके सारे सिर गिर जाएंगे, और यह भी एक कारण है कि रावण ने माता सीता को नहीं छुआ और स्पर्श नहीं किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अनरण्य राज्य का वध भी रावण ने किया था, और वहीं से रावण को श्राप मिला था कि उसे उसी के वंश से उत्पन्न हुए एक राजा रावण का वध करेगा, और जो कि आप सभी जानते हैं कि भगवान राम है, और यह सब भगवान राम जानते थे। अपने अहंकार के कारण रावण ने शांतिपूर्वक तरीके से यह सब ना करने का प्रस्ताव ठुकराया और युद्ध करने का प्रस्ताव रखा, और उसकी यही जिद से उसके सारे भाइयों की मृत्यु और पुत्रों की मृत्यु का कारण बना। कई लोग मानते हैं कि वह विभीषण था जो अपने भाई की मौत का कारण बना, और कई मानते हैं कि वह मंदोदरी थी जो विश्वासघात के हिस्सा बन गई और रावण की मौत का कारण बनी। जब रावण को मारना असंभव हो गया था तब विभीषण ने
रावण के नाभि में बने अमृत का उल्लेख किया और कहा कि कोई भी तलवार या नश्वर हथियार रावण को नहीं मार सकता, परंतु मंदोदरी के समक्ष रखे तीर जो जादुई है उससे रावण मर सकता है। यह सब सुनने के बाद राम के कहने पर भगवान हनुमान एक साधु का रूप धारण किया और मंदोदरी से वह तीर ले आए और वह तीर रावण की नाभि में मारते ही रावण की मृत्यु हो गई। भगवान राम रावण के ज्ञान और बुद्धि से प्रभावित थे और रावण को मारने के पश्चात उसकी प्रशंसा की और लक्ष्मण को रावण के पास जाने को कहा। अपने मृत्यु को प्राप्त करते वक्त रावण ने लक्ष्मण को तीन बातें बताई। पहला कि कोई भी शुभ कार्य को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ को टालते रहना चाहिए। दूसरी बात बताई कि अपने दुश्मनों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। रावण ने बतलाया कि वह वानरों और भालुओं को विश्वास नहीं करता था कि वह उसे मार सकते हैं, परंतु उन्हीं के कारण से उनकी मृत्यु हुई। तो पूर्ण बात रावण ने यह बताई कि अपने जीवन का रहस्य किसी के भी आगे नहीं बताना चाहिए।